के इस वीडियो में बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग के शुरुआती 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म शैतान के 27 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानने वाले हैं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म द गोट लाइफ के 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में। तो करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू के भी 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग के कलेक्शन के बारे में, तो भैया इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी पूरी तरह से लाजवाब हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा लगभग 4 से 5 भाषाओं में हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी और फिल्म ने सभी भाषाओं में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। बात की जाए इस फिल्म के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों गोडजिला एक्स कॉन्ग ने शुरुआती 4 दिनों के अंदर ही इंडिया में ग्रोस कलेक्शन 50 करोड़ 80 लाख रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने 5वें दिन कमाए 4 करोड़ 68 लाख रुपए। बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि 6ठे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो गोडजिला एक्स कॉन्ग अपने 6ठे दिन इंडिया से कलेक्शन सभी भाषाओं में 4 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों गोडजिला एक्स कॉन्ग का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है लगभग 60 करोड़ की रेंज में। बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के, तो दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की वेबसाइट के मुताबिक इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो $243 मिलियन का हो चुका है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 2260 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 2260 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की हॉरर ड्रामा फिल्म शैतान के बारे में, विकास बहल के डायरेक्शन में बनी फिल्म शैतान, जिस फिल्म में अजय देवगन के साथ में हमें देखने को मिले थे आर माधवन, ज्योतिका। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 4था हफ्ता और फिल्म सिनेमाघरों में 1 महीना कंप्लीट करने को आ चुकी है। हालांकि फिल्म ने 3 हफ्तों तक ताबड़तोड़ कमाई की और 4थे हफ्ते में फिल्म के पास स्क्रीन कम हो चुकी और अब इस फिल्म के कलेक्शन भी धीरे धीरे काफी ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब बस 1 हफ्ते बाद ही अजय देवगन की एक और फिल्म मैदान रिलीज होने जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जब तक मैदान रिलीज होगी तब तक शैतान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी कमाई करती जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें शैतान के 27 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अजय देवगन की शैतान फिल्म ने शुरुआती 25 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 142 करोड़ 84 लाख रुपए का कर लिया था। तो 26वें दिन फिल्म का कलेक्शन इंडिया में 63 लाख रुपए का रहा। हालांकि यह फिल्म 27वें दिन भी ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 55 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ अजय देवगन की शैतान का शुरुआती 27 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 144 करोड़ 2 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 171 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 33 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ शैतान का 27 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 204 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 204 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म द गोट लाइफ के बारे में, पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ, जो कि ओरिजिनली एक मलयालम फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को मलयालम के अलावा हिंदी और बाकी साउथ लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया गया है। फिल्म रिलीज हुई थी गुरुवार, जिसके चलते इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते के अंदर ही अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है और ऐसा लग रहा है कि अभी तो यह फिल्म सिनेमाघरों में 2-3 हफ्ते और चलेगी और फिल्म का फाइनल कलेक्शन इस फिल्म के बजट से दुगना होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसके चलते ही फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन काफी शानदार रहे। बात की जाए इसके 7 दिनों के सभी भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों द गोट लाइफ फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 35 करोड़ 70 लाख रुपए का किया था, तो 6ठे दिन कमाए 4 करोड़ 66 लाख रुपए। वही ये फिल्म अपने 7वें दिन यानी कि आज 4 करोड़ 40 लाख रुपए का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है।
इसी के साथ द गोट लाइफ का शुरुआती 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 44.76 करोड़ रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 53.10 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 35.91 करोड़ रुपए की कमाई की है, और इसी के साथ फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 89 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 89 करोड़ की कमाई पहले हफ्ते के अंदर दुनिया भर में कर चुकी है, और आने वाले 2 से 3 दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर जाएगा। बता दे दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट बनने जा रही है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रू के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिली थी तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा। बताना चाहूंगा दोस्तों, 50 करोड़ के बजट में बनी क्रू फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 6 दिन, और ये फिल्म 6 दिनों में हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी धमाकेदार कमाई कर चुकी है, और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये फिल्म भी 100 करोड़ का आंकड़ा बस 1-2 दिन में क्रॉस कर देगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म ने जो 6 दिनों में कमाई की है वो पूरी तरह से कमाल की है। बात की जाए इस फिल्म के 6 दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों द क्रू फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही 32.60 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था, वही चौथे दिन कमाए थे 4.52 करोड़ रुपए, तो पांचवें दिन 4.13 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले लगभग 10% ड्रॉप हो चुकी है, और यह फिल्म अपने 6ठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3.80 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों क्रू फिल्म का शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 45.05 करोड़ रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 53.50 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 30.61 करोड़ रुपए की टोटल कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों द क्रू का शुरुआती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 84.11 करोड़ रुपए, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है, और आने वाले समय में यह मूवी सुपरहिट होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब अगर अंत में बात करें 2024 की सबसे बड़ी एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी बड़े मियां छोटे मियां, जिस फिल्म में बॉलीवुड के रियल एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म में पावरफुल विलन के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को अब रिलीज होने में समय बचा है सिर्फ 1 हफ्ते का, और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर बड़े मियां छोटे मियां की जो लेंथ है वो कितनी होगी ये भी रिवील हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़े मियां छोटे मियां फिल्म 2 घंटे 43 मिनट और 41 सेकंड की रहेगी। जी हां दोस्तों, ये फिल्म लगभग 2.5 घंटे की होने वाली है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अब आपको बता दें दोस्तों, जहां फिल्म को रिलीज होने में 1 हफ्ते का समय बचा है, ऐसे में जितने भी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैंस है वो वेट कर रहे हैं कि इस फिल्म की बुकिंग इंडिया में कब शुरू होगी। तो दोस्तों, अभी तक फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन शायद आज या कल यानी कि आने वाले 2 दिनों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि इस फिल्म की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वो 3-4 दिन पहले ऑलरेडी ओपन हो चुकी थी, जहां पर फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है वो एक तरह से काफी बढ़िया है। तो दोस्तों, इस फिल्म की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वो $3,45,000 की हो चुकी है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 2.86 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग में 2.86 करोड़ रुपए की बुकिंग अभी तक की है। बता दो दोस्तों, ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म की जो बुकिंग है ना वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, सिर्फ लिमिटेड बुकिंग को शुरू किया है, जहां पर ही फिल्म ने एक अच्छी खासी डिसेंट कमाई कर ली है। अब उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तान, विदेशों में सभी जगह फुल ओपन कर दे, उसके बाद देखते हैं कि फिल्म को एडवांस बुकिंग में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, और जब यह फिल्म रिलीज होगी तो ये मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां पहले दिन दुनिया भर में कितने करोड़ कमाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।